रैंडम से ना देखना रुला देगा इन लोगों को, इतना तो पक्का भाई जीत नहीं पा रहे वो उससे। पहली बार देखा वाला मैंने पैरट एलविस आर्मी अभी को। अभी उसमें भाई वो ऑलरेडी रो रहा, रोना रुलाना क्या कॉल पे, रोई तो रहा भाई, सॉल्व करा दो भाई ऐसे करके, उसकी आवाज तो देखो भाई, आवाज आवाज देखो। श्याम भाई आ गए, श्याम भाई ऊपर आओ भाई, तुम्हारी भी तो वो चाहिए टिप्पणी, टिप्पणी चाहिए टिप्पणी। श्याम भाई क्या टिप्पणी दे, श्याम भाई उसमें नहीं रहते, श्याम किसमें भाई नहीं केवल रहते मतलब कंट्रोवर्सी में नहीं रहते श्याम भाई। श्याम भाई, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा जा रहा, देख लो भाई। और रे 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 तो भाई यही है, सिस्टम इक्वल टू सिस्टम है। अबे यार मजा आ गया भाई। नमस्ते, आप वीडियो देख के आए? देख के आया, मुझे लगता है ये रैंडम से ना एकता कपूर से इंस्पायर था, तीन तीन बार रिपीट कर रहा था। अबे भाई मैंने नहीं बोला कि झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा। वीडियो में कुछ था तो नहीं, बट इसने जो रिकॉर्डिंग डाली ना बीच में, मुझे वो सुन के मजा आ गया भाई। पे भाई मतलब क्या बोलू, मतलब ऐसे भाई, मतलब सच में उसने, अब मेरे विश्वास नहीं हो रहा भाई, मतलब सच में उसने ये बोली सॉल्व करा दो, उसके बस की ना हुई कुछ सॉल्व करनी। भाई रैंडम का बस नहीं चल रहा था, वरना रैंडम गाली देता भी यूट्यूब वीडियो पे। हाँ ये बात अरे तो है, उसने ये बोला कि मेरा सोल करा दो, पहले ये मैटर हाईलाइट है, ये सोल करा दो, उसके बाद मैं गारंटी देता कि वो भी सोल करा दूंगा। वो एल्विस ने ऐसा बोला कॉल पे। और एक और क्लिप थी, एक और क्लिप थी जिसमें बोल रहा था कि क्या कहते हैं ये, एक और क्लिप थी साइड में, वो वाली भी एक क्लिप डाली है इसने उसमें, जिसमें बोल रहा था सम्राट भाई देख लो, अब बोल लो ये करके कुछ, रैंडम सेना की इमेज खराब, और उसपे भी पेल दिया भाई, उसपे भी पेला उसने, रिप्लाई दिया, मजा आ गया मजा। यार मैं तो सोच रहा था यार हमें थोड़ी फायदेमंद की क्लिप मिलेंगी, हम भी कुछ डालेंगे, बट कोई बात नहीं भाई, यार रैंडम भाई डाल दो यार कुछ, कसम से बता रहा हूँ डाल दो यार, मजा आ लेकिन जाएगा। ये तो देख लिया भाई कि कमजोर निकला यार सिस्टम। हम जितना हो हल्ला मचाए हुए थे, जिसपे लोग माँ प्राउड करते थे भाई, वो तो कमजोर निकला यार। छोड़ो, वो तुम कह रहे थे भाई, हमें तो पहले दिन से पता था, हमने कभी नहीं करा। श्याम अब भाई जैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन उसने तो रजत दलाल को भी एक्सपोज कर दिया। वो तो देखो करना ही था, और वो सीन तो बनता था भाई, वो तो सबको पता है, वो वही काम करता है, उसमें कौन सा नया बात है एक्सपोज किया, वो तो पूरी दुनिया इंटरनेट को बताया कि वो लड़ लड़ के फाइट करे, स्टोली करवाता है हर जगह। सुनो वरना श्याम भाई, वरना मैंने नहीं, उसकी आईडी सुनो से, तो उसकी आईडी से लाइव आना बनता ही नहीं है, डायरेक्ट एल्विस की आईडी से लाइव आना बनता है, उसको तो फॉलोअर बढ़ाने थे, इसलिए आप अपनी आईडी से आया लाइव। और सुनो तो बड़ी बड़ी देखा, अगर कोई मैटर सोल्व करवाता है तो रिटर्न में कुछ देना तो पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। हवाबाजी दिखाने के लिए वीडियो में बोलना कि सीएम जो नया सीएम बना है उसके यहाँ से उसको बिन ले जाएंगे एलविस भाई, ये करेंगे वो करेंगे। हवाबाजी करने से कंटेंट नहीं बनता भाई, उसके लिए मेहनत लगती है, वो तुमको नहीं, करनी ही है। रैंडम सेना ने अपनी ही टैगलाइन नहीं डाल दी अपने ट्वीट में, अब देखना कितनी तगड़ा बूस्ट होगा, बहुत तगड़ा बूस्ट बट होगा। टेनी जो तू चाहता है ना वो भी होगा, अगर सामने से रिप्लाई आया तो। अन्नी सबको जाके बोलो कि वहां जाके कमेंट करके पूछे, वो जो ऑडियो था ना उसके बारे में। अरे नहीं भाई, हमें हमें मम्मी मुझे मजदूरी ना करवानी, डालना होगा डाल देगा, ना डालना होगा ना डालेगा, बाढ़ में गया, क्लियर बात है ठीक है। अन्नी बट मुझे लग रहा है कि बट मुझे लग रहा है कि वो डालेगा, अभी डालेगा और नहीं चीजें नहीं भी। नहीं मैं एक बात बोलूं, वो नहीं डालेगा, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व था, तो कोई ऐसा गधा नहीं होगा कि अपने आप को एक्सपोज करेगा। अरे तो अच्छा नहीं ऐसा भी श्याम हो भाई, सकता अपनी है, वाली नहीं अरे दूसरी वाली, जो अरे सिंगल ऐसा भी बेंच हो वाली। सकता है काट, अरे नहीं नहीं वाली नहीं सुनो सुनो, ऐसे भी हो सकता ना काट के डाल दे श्याम भाई, वो बता वो लेगी, ये लोग भी डाल देगा ना फिर, तो वो नहीं करेगा है, उसको पता है वो खुद एक्सपोज होगा। श्याम भाई मैं तो लड़की वाली मैटर की बात कर रहा हूँ। वो भी है, बट उसके पास उसके लिए प्रूफ चाहिए। उसके पास तो प्रूफ है, उसने बोल दिया कि नाबालिग लड़कियों को यूज करता है। फिर तो उसको करना चाहिए, बट वही बात आ जाएगी ना कि तुझे पता है तूने क्यों नहीं करा, वही सीन होगा, तो वो नहीं एल्विस का डालेगा। ट्वीट, रैंडम सेना का ट्वीट आया भाई,
उसने अपनी ही टैगलाइन अपने ट्वीट में डाली है ताकि बूस्ट हो जाए और अच्छे से बंदे करने लग जाए। सही है भाई, करने दो। अन्य इनकी अब फट गई है आर्मी वालों की, सब रिप्लाई पे रिप्लाई दे रहे हैं। लिस्ट में है भाई, उसकी टैगलाइन लिस्ट में फट गई तो सिस्टम आर्मी की इतनी देर टिकेगी? सिस्टम हैंग हो गया, वहां पे जाम हो गया बेचारे, तो आर्मी की अब तक ही टिक पाएगी? मेरे तो पोरियो में दिखा रहा है ऑलवेज विद रैंडम से ना। अब तुम देख रैंडम से ना हर रोज ट्रेंड होगा, अन्नी हर रोज ट्रेंड होगा, उसका भी फैन बेस बन गया। बन उसने थोड़ा मोटिवेट करा बंदों को आने के लिए कि ट्विटर पे स्पेस बनाओ इनकी तरह और करना स्टार्ट करो, वो इसी ने तो वही हुआ है। मुझे लगता है अगर ये वाला सीन बाहर आ गया ना, जो दूसरा वाला सीन बाहर आ गया भाई, कसम से बहुत डैमेज होगी इमेज। कसम से उसका वो देखा, उसका कमेंट देखा तो नहीं क्या है? He will be exposed in many matter, be it sleeping with minor girl. ये क्या है भाई? उसने कमेंट किया है नीचे अपनी वीडियो। अरे वो पीडीएफ वाला मैटर है ना, वो हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई कि क्या कहते हैं, अगर इसका इतना निकाला है तो भाई ये भी इसे तो डाल देना चाहिए था इसी वीडियो में, इसने इतना इंतजार करवाया था इस वीडियो में। ये लिखा है, इसने ये लिखा कि अगर माफी मांगेगा ना तो ठीक है, वरना हम कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे, ये लिखा है। अभी तो लेकिन वेब सीरीज आने वाली है, सब थोड़ी पहले एपिसोड में डाल देंगे, वेब सीरीज आने वाली है पूरी। मुझे लगता है अभी वीडियो पे वीडियो आएंगे, अभी वो यूट्यूब पे बटोरेगा थोड़ी सी अपनी ऑडियंस। अभी उसका चैनल सजेशन में भी नहीं दिख रहा है, जो सीन है ना उसका, अभी उसमें सजेशन में नहीं दिख रहा है उसका चैनल, वो भी है। अगर सर्च कर रहे हो तो नहीं आ रहा, लिंक से ही जाना पड़ रहा। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि अभी तो वेब सीरीज आने वाली है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 निकालेंगे श्याम भाई, सारे पार्टों का एक पार्ट। उस पे बोलेंगे भाई श्याम भाई उस पे तुम अपना वॉइस ओवर देना कि ये नेगेटिव पीआर ऐसे हुई थी यहाँ से, फिर रैंडम सेना ने ये बताया गया, फिर रैंडम सेना ने यहाँ से ये प्रूफ डाले, ये वगैरह करके मजा आ जाएगा, मजे ही मजे। प्रूफ हो तो अलग बात है ना, प्रूफ तो होने चाहिए, मेन तो प्रूफ ही है। क्या कह रहे हो, प्रूफ मिलेगा तो फिर तो मैं कर दूंगा वॉइस ओवर? हाँ फिर तो तू भी कर देगा मेरे साथ, चार लोग मिलके करेंगे वॉइस ओवर, कसम से बता रहा हूँ वॉइस ओवर कर देंगे अगर प्रूफ मिल गया भाई। हम भी ऐसे सेम टू सेम ये वाली वीडियो और एक बड़े चैनल से डलेगी, पक्का दे रहा हूँ इस बात की गारंटी, बड़े चैनल से डलवाएंगे, चैनल से डलवाने वाला भी बंदा है हमारे पास, ठीक है? और क्या कहते हैं, बस प्रूफ मिल जाए कैसे भी करके, पक्का डलवाएंगे बड़े चैनल से नीचे। फिर हम भी तीन बार रिपोर्ट करेंगे, नहीं झुकेंगे। विनीत का चैनल हमारा ही है, उसने बोला है जो भी वीडियो डालने हैं लेकिन अच्छा वाला वॉइस ओवर करो, उसने बोला मैं डाल दूंगा, मेरे को बोला है। अबे विनीत से भी बड़े चैनल से डलवा देगा एक बंदा है, उसकी यूट्यूब में बहुत अच्छी खासी वो है, हमारे फैंडम में ही है। अरे मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा फिर भी मेरा चैनल इतना ग्रो कर जाएगा, इतने बंदे है मेरे पास। लेकिन वहाँ पे हमारी ऑडियंस है ना, वहाँ पे ऑडियंस है विनीत के चैनल पे हमारी। अरे विनीत ऑडियंस से मतलब नहीं होता, अगर तुमने किसी बड़े यूट्यूबर से किसी चीज पे रिएक्ट करवा दिया, फिर अगर तुम लिंक एक जीरो फॉलोअर वाला भी आके यहाँ पे लिंक पोस्ट करेगा ना, और उस पे हमारे यहाँ के 10-20 मेन हैंडल्स ने डाल दी लिंक, वो अपने आप ग्रो होने लग जाती है वीडियो, वो अपने आप ग्रो में चली जाती है। बस बड़ा चैनल होना चाहिए कोई तगड़ा सा, जिस पर ऑडियंस हो अच्छी खासी, बिग बॉस टाइप की ऑडियंस हो तो मजा आए। मैं मजा आ रहा भाई, अब मुझे ऐसा लग रहा है फिर से कोट खेलना चालू होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी, कोट खेलना चालू होगा। नहीं अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब रिप्लाई देने को कुछ नहीं है, जब मैटर खत्म हो जाता है ना उसके बाद करते हैं। अभी उसने इल्जाम लगाया ना इस पे, तो एल्विस वैसे कोट खेल रहा है, मेन कोट तो आज खेलना चाहिए थोड़ा सा। नहीं अभी तो आएगी सम्राट की स्पेस, आज सिस्टम नहीं आएगा कोट खेलने, पता है आज उसकी पार्टी गई है तो अभी सिलसिले में जुड़ो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्राट की भी स्पेस नहीं आएगी आज, रैंडम सेना ने वीडियो में नाम ले दिया इसलिए नहीं बनाएगा वो भी स्पेस, देख लियो वो बीच में ही नहीं पड़ेगा। सम्राट की फट गई भाई, हाँ सम्राट भाई की भी देख के वो हो जाएगी, किसने मेरा नाम ले दिया वीडियो में,
फटे वहीं पे फट जाएगी उस सीन में। अरे उसमें उसका क्या था सम्राट का, उसने तो बेचारे एल्विस ने कॉल करा था सम्राट को। एल्विस से गलती पता है क्या हो गई, एल्विस ने बोला ना कि मेरे सर के एक बाल से लेके तलवे तक सॉरी नहीं बोलूंगा, और उसने भी ठान लिया कि मैं सॉरी बुलवा के रहूंगा। दोनों का ईगो क्लैश कर गया है और दोनों जिद्दी आदमी। कोई रैंडम सेना को कांटेक्ट करो और भाई ये नेगेटिव पीआर वाले प्रूफ निकलवा दो कैसे भी करके, फिर पक्का हमारी गारंटी है। अगर कुछ ना हो तो श्याम भाई को भाई भगा देना ट्विटर से, बहुत कुछ कर देगा, बस कैसे करके कोई कांटेक्ट करके निकलवा दो। और फिर बहुत गंदी बात तक कर पा रहे आजकल तो वीडियो हमारी घूम घूम के चल रही है। हां ये लोग अभी भी उसको पोक कर रहे, देख मैंने तेरे को डीएम में भेजा। अरे करने दे करने दे, अरे करो भाई जितना पोक करना, देखना तुम्हारी फाड़ेगा, तुम्हारी चीजें निकलेंगी, करते रहो पोक। अरे करने दे जितना करेंगे उतना ही ज्यादा चले आएंगे बाद में। नहीं नहीं एलविस का एडिटर तो है ही चूतिया भाई, इसकी तो क्या ही बोले। अभी दो तीन दिनों तक मेरे को बढ़िया लग रहा, अब इसके अब जो ऐसे काम कर रहा भाई, अब लग रहा है मेरे को चूतिया, सच बताऊं तो। श्याम भाई निकलवा दो प्रूफ, करो यार कुछ सीन सा सेट करो भाई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आए कि फुकरा की टीम के बंदे का कॉल आया था, नेगेटिव पीआर का प्रूफ दे दो। फिर हम उसे प्रूफ करने में लग जाएंगे, ये तो एआई रिकॉर्डिंग है, ये तो एआई रिकॉर्डिंग है भाई, एआई रिकॉर्डिंग है कैसे। फिर मैं एक रिकॉर्डिंग बना के दिखाऊंगा कि देखो ऐसे बनती है, ये बन गई रिकॉर्डिंग। फिर मेहनत लगेगी एक दो दिन की, ठीक है। बट भाई ये वाली जो रिकॉर्डिंग है इसमें वो असली रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वो असली आवाज से पता चल रहा है, जिसमें भाई डर के बोल रहा है ना कि क्या कहते हैं कि भाई वो वाला सीन आता है ना भाई, यार उसे करा दो, तुम्हारा पक्का देखो गारंटी है पक्का भाई, उसे करा दो बस भाई। वहां मेरा दिल में ऐसी खुशी हुई भाई, जैसे ऐसा लग रहा था बंदा रो रहा हो कसम यार। किसी के इमोशन का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा ओके, कौन बोल रहा है, हम तो दे रहे हैं सिंपति पूरी। मैं तो सिंपति दे रहा हूँ भाई, कोई हंसो मत, कोई नहीं हंसे। देखो मैंने ऊपर ट्वीट लगाया रैंडम सेना सुप्रीमेसी, भाई सब लाइक मारो या के एक एक बार। अरे भाई रैंडम सेना की सुप्रीमेसी मत प्रमोट करो भाई, किसी की सुप्रीमेसी ना है, सब है सब ऐसे ही है, सब वैसे ही। अरे एल्विस सुनो तो, एल्विस वाले गाली दे रहे तो एक आदमी तो सहारा देने के लिए चाहिए ना भाई। तुम ही दोगे सहारा भाई, भूल गए अभी से गाली दी उसने। अरे सुनो तो लौंडे ऊपर लिख क्या रहे, राठौर ये ना उधर है ना इधर, ये पता नहीं कहां से आ जाता है बीच। अन्नी लेकिन इसने बहुत कंट्रोल किया गालियों पे, वरना एक दो गालियां तो इधर भी निकल जाती 10-15। अबे तो भाई बंदा भरा हुआ है भाई, अंदर से आवाज से पता चली कितना भरा। उसने दो तीन बात रिपीट कर दी इतनी बार, मैं भी देख के थोड़ा सा हुआ भाई यार ये इतनी रिपीट क्यों कर रहा। आरू अजय अब तुम तो क्या तमाशा देखने आते हो साले, स्पीकर में हो दोनों पहले ऊपर। आरू रात को आता अन्नी, हां अन्नी उसने गालियां बोली है लेकिन कट कर दी बीच में बहुत कट है, तुम देखना ध्यान से सुनोगे ना तो तुमको पता चलेगा कट है। आज तो मैं अच्छी एडिटिंग करी है इससे भाई, मुझे रैंडम सेना का एडिटिंग का काम दिला दो भाई, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। मैं फिर बोलता भाई थोड़ा सा प्रूफ डालो भाई, नेगेटिव पीआर वाला, वो वाला मजा आएगा यार, कोई वो प्रूफ ला के दे दो कैसे करके हाथ में यार, कहीं से दे दो यार कोई प्रूफ बना के यार, कुछ दे दो यार बस। कोई बंदा है पता नहीं, पहले पांडा गैंग का था अब ट्रोल कर रहा है। पांडा गैंग का नहीं था वो, पता क्या करता था वो मेरे अगेंस्ट ट्वीट करता था, सारे पांडा गैंग में था भी ना सारे उसके ट्वीट, अगर सुबह उठ के पहला ट्वीट करेगा तो उसका पहला ट्वीट ही मेरे अगेंस्ट में होता था। पांडा गैंग को ट्रोल कर रहा है वो, मेरे अगेंस्ट ट्वीट डालता था ये वगैरह वगैरह, ये एल्विस आर्मी से लड़ता है, मुझे लगता है उसका सॉफ्ट कॉर्नर था उधर, अब एल्विस वाला था शायद, पता नहीं भाई। तेरे प्यार में तो नहीं था कहीं भाई? नहीं यार हमसे कोई प्यार नहीं करता, ना ही हम किसी से प्यार करते, साफ सीधी बात है, सिवाय अपनी फैमिली के। यार एल्विस भाई कमजोर निकले यार, इतनी उम्मीद नहीं थी यार, मारने गए भी तो ये ऐसे बंदे को जो कमजोर था भाई। ये तो मेरे को भी थोड़ा सा ऋत्विक भाई, ये तो थोड़ी मेरे को भी विश्वास वाली थोड़ी ऐसी बात है कि भाई मतलब
कॉल पे वो रोने वाली थोड़ी सी आवाज आ रही है ना, तो मेरे को ये लग रहा भाई क्या बोले यार।